नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज में हूँ आपके साथ कुंजन। आइए करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के जय श्री राम पर विवादित बयान के बाद भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जय श्री राम खाने भी देता है, संतोष भी देता है, परिवार और समाज में मैत्री का भाव भी जगाता है। रामराज में कोई भूखा नहीं रहता, केवल भ्रष्टाचारी ही भूखे मरेंगे, क्योंकि मोदी ना खाएगा ना खाने देगा। शर्मा ने कहा, घमंडिया गठबंधन की मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए जब भी बोलते हैं श्री राम के विरोध में ही बोलते हैं। जो राम और राष्ट्र के खिलाफ गलत बोलेगा उसका ऐसा हसन होगा कि ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। भोपाल से संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हल्लेई। राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस का ये घमंडिया गठबंधन की मति बुद्धि का हरण हो गया है, इसलिए ये जब भी बोलेंगे राम के खिलाफ बोलेंगे, जब भी बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, जब भी बोलेंगे सनातन के खिलाफ बोलेंगे, जब भी बोलेंगे भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे। और जो राम के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा उसका राजनीति का उतना बुरा हाथ होगा कि ढूंढने वाले भी नहीं मिलेंगे, राजनीतिक तौर पर समाप्त हो जाएंगे जो राम का विरोध करेंगे। जय श्री राम भोजन भी देता है, जय श्री राम मन को शांति भी देता है, जय श्री राम मन को संतोष भी देता है, जय श्री राम पारिवारिक और समाज में मैत्री भाव का जागरण भी करता है, और जय श्री राम बोलकर एक दूसरे से गले भी मिला जाता है। राम की नगरी को जाकर देखो किस तरह सज रही है, कोई भी भूखा मरे तो बताना। हाँ, भ्रष्टाचारी भूखे जरूर मरेंगे, क्योंकि मोदी ना खाएगा ना खाने देगा।